बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है टैन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब अप्लाई करते थे, हमने दो रूल्स पढ़े थे। अगर सिंगल फंक्शन हो तो या वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो कोई, या इस फॉर्म में लिखा हो, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी होती है, या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है टैन इनवर्स ऑफ एक्स, तो याद रखना है टैन इनवर्स ऑफ एक्स के जो फंक्शंस होते हैं इनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। इसके अंदर डेरिवेटिव तो इनके डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बल्कि आप डेरिवेशन वाली टेक्निक यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे टैन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट वन डी एक्स, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, यानी कि यू, और वन को वी ले लेंगे। यानी कि कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर आपके पास अकेला आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको वन से मल्टीप्लाई कराना है और उसको आपने यू ले लेना है और वन को वी। और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो कि थी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर इस फार्मूले को देखें, जैसे कि मैंने बात की, टैन इनवर्स का इधर डेरिवेटिव आ रहा है जबकि वन का इंटीग्रल आ रहा है, तो इनको डेरिवेटिव लेकर ही हम इनकी इंटीग्रेशन करते हैं, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि हमने यू लिया हुआ है टैन इनवर्स ऑफ एक्स को। वन जोन सा है वो सेकेंड फंक्शन है, वो वी की जगह पर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल डी वन डी एक्स और डेरीवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। वन का इंटीग्रल जो सा होता है वो आपके पास एक्स होता है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये इनवर्स के अंदर है और ये बाहर है। इसी तरह वन का इंटीग्रल यहाँ पर एक्स आ जाएगा, जबकि टैन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो इनवर्स के डेरिवेटिव के फार्मूलाज भी हम 2.5 में सीख कर आए थे। टैन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ आ रहा है डी एक्स। ये वाला एक्स स्टार्ट में आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपर एक्स है और नीचे है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। क्या ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो है जबकि एक्स स्क्वायर का टू एक्स है, तो ऊपर हमें डेरिवेटिव चाहिए नीचे वाले फंक्शन का, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन बन चुका है। तो रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने के हमने तीन फार्मूलाज प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे 3.3 में। तो उसमें आपके पास रैशनल फंक्शन में अगर नीचे फंक्शन हो, फंक्शन की होल पावर वन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बनता था। अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं आते तो 3.3 के क्वेश्चंस को आप सामने रखते हुए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3.3 में हमने सिर्फ इन चार फार्मूलाज की मदद से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और एक दो में हमने साइन इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि नीचे फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, ऊपर टू कम है, तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। अब नीचे फंक्शन होल पावर वन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये जो फार्मूला है, नीचे फंक्शन हो, होल पावर वन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्योंकि हर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सी है वो प्रीवियस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो कोशिश करें साथ साथ इसको जो कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से करें ताकि हो जाए। तो यहाँ पर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, तो ये आपके पास टैन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया। तो याद रखना है जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं अगर वो अकेले आ जाएं तब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं आप अप्लाई, क्योंकि ये हमने कुछ चार कंडीशंस डिस्कस की थी, लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आ जाए, ठीक है, इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाए, या यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह की कोई शेप आ जाए, तो बाय सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो उसमें भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।